नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चंस की बात करें तो आज हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दिखते तो सिंपल हैं लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उसके ऑप्शंस, और हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है, एक दो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम डील करेंगे आज। टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक से उठा के आज मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है सवनाही अंकन क्या है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए गेहूं के आटे से बना चौक, बी दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी, सी गोबर चित्रकारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोबर चित्रकारी। क्या होता है कि सावन का जो महीना होता है उसमें अमावस्या के दिन क्या मनाया जाता है, हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। सावन के माह में ये सवनाही अंकन किया जाता है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सवनाही मतलब सावन के माह की बात की जा रही है, और ये चित्रकारी है, गोबर से बनी चित्रकारी है। क्या होता है अमावस्या के दिन जो अनिष्ट शक्तियाँ होती है, जो बुरी शक्तियाँ होती है, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी ऐसी मान्यता है गांव के लोगों की कि इस दिन जो अनिष्ट शक्तियाँ हैं वो गांव में विचरण करती रहती है, गांव में विद्यमान रहती है। तो इनसे बचने के लिए गांव के लोगों के द्वारा उनके घर की दीवारों पर गोबर से चित्रकारी की जाती है। जो चित्रकारी होती है वो पशुओं की होती है और मानव की होती है, और इनकी ऐसी मान्यता है कि ये जो पशु और मानव हैं जो गोबर से बनाए गए हैं दीवारों पर, ये बुरी शक्तियों से इनकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि सावन के महीने पे गोबर से चित्रकारी करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सवनाही अंकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ए हनुमान सिंह, बी परशुराम सोनी, सी गुंडाधुर और डी वी नारायण सिंह। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जो है वो सैन्य विद्रोह जो 1858 में हुआ था उसके लीडर थे, उसके नेतृत्वकर्ता थे। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जब 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई थी, तो इनके बलिदान के बाद पूरे प्रदेश में विप्लव की लहर जो है वो दौड़ उठी थी। और ये वही समय था जब 18 जनवरी 1858 को तीसरी बटालियन के मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत ये जो हनुमान सिंह थे, इन्होंने रायपुर में स्थित सैन्य दल के जो तीसरी टुकड़ी थी उसके अधिकारी सार्जेंट मेजर सिडवेल की क्या कर दी थी, घर पे घुसकर हत्या कर दी थी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उस जगह पे विद्रोह कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो स्मिथ थे उन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया और जितने भी सिपाही थे उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये जो हनुमान सिंह थे वे वहाँ से भाग निकले। जैसा कि बैरकपुर की छावनी में जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर मंगल पांडे जैसे उस जगह से भाग निकले थे, उसी प्रकार हनुमान सिंह भी यहाँ से भाग निकले और बाद में इनका कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए ये जो हनुमान सिंह है इनकी तुलना जो है मंगल पांडे से की जाती है, तो इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। परशुराम सोनी में आते हैं। परशुराम सोनी जो है वो 1942 में हुए रायपुर षड्यंत्र केस के लीडर थे। जिस प्रकार से भगत सिंह जो थे वो युवा क्रांतिकारी नेता थे, तो ये भी एक युवा क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने भी हिंसा का मार्ग पकड़ा था, ये विस्फोट सामग्री, बम, बंदूक, कारतूस ये सब बनाना चाहते थे। और जैसे कि भगत सिंह ने क्या किया था कि जो केंद्रीय संसद है वहाँ पर उन्होंने बम फेंक दिया था, तो उसी प्रकार से ये भी उनको उनके फॉलोअर थे वैसा ही कुछ करना चाहते थे। तो इसलिए ये जो परशुराम सोनी है इनकी तुलना जो है भगत सिंह से की जाती है और इन्हें छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परशुराम सोनी। देखिए गुंडाधुर जो है वो भीम भूमकाल विद्रोह जो हुआ था आदिवासी क्षेत्र में 1910 ईस्वी में, ये उसके नेता हैं। और वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कहा जाता है। इन्होंने जो बलौदा बाजार में जो सोना खान विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी के संबंध में सही कथन को चुनिए। देखिए यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है महाभारत की कथा पर आधारित, दूसरा प्रधान एवं देवार जाति की गायकी, तीसरा पंडवानी का नायक अर्जुन और चौथा पूर्णराम निषाद कपालिक शैली के गायक। तो देखिए ये जो पंडवानी है ये छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय लोक गाथा है। पंडवानी मतलब कि पांडव वाणी,
महाभारत के पांडवों की कथा का लोक रूप है पंडवानी, जिसका मूल आधार है महाभारत की कथा, देवार और प्रधान जाति की गायकी और सबील सिंह चौहान के दोहे और चौपाई। क्या क्या बताया मैंने? महाभारत की कथा, देवार और प्रधान जाति की गायकी और सबल सिंह चौहान के दोहे और चौपाई। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, महाभारत की कथा पर आधारित है, तो हाँ प्रधान और देवार जाति की गायकी होती है, तो हाँ होती है। लेकिन इस पंडवानी का जो नायक होता है वो भीम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पांडवों को जितनी भी विपत्तियां आती है उन पर, उससे भीम जो है उनको बचाता है। इसलिए पंडवानी का जो नायक होता है वो भीम होता है और इसकी नायिका जो होती है वो द्रौपदी होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। चौथा स्टेटमेंट, पूनाराम निषाद कपालिक शैली के गायक थे, तो नहीं, पूनाराम निषाद जो है वो वेदमती शैली के गायक थे। ये जो पंडवानी है इसकी दो शैलियाँ हैं, एक वेदमती और दूसरा कपालिक। वेदवती शैली में क्या होता है कि जो गायक होता है वो वीर आसन में बैठकर शास्त्रीय शैली में गायन करता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि इसमें बैठकर गायन किया जाता है शास्त्रीय शैली में, इसे वेदमती शैली कहते हैं। लेकिन जो कपालिक शैली होता है वो वाचक परंपरा पर आधारित होता है, मतलब कि यहाँ पर जो सिंगर होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पंडवानी का, वो स्टोरी सुना के इसे रिप्रेजेंट करता है, बीच बीच में गाना गाता है, और जो पीछे बैठे हुए होते हैं जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं वादक, वो बीच बीच में हुंकारे भरते हैं। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बजाया जाता है गायक के द्वारा। तीजन बाई जो कि कपालिक शैली की गायिका है, आपने देखा होगा कि वो अपने हाथ में तंबूरा लेकर पूरा रिप्रेजेंटेशन करती है पंडवानी का। तो इस प्रकार से इसकी दो शैलियाँ होती है, और ये जो पूनाराम निषाद है ये वेदमती शैली के गायक हैं। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, एक और दो सत्य, केवल एक, ऑप्शन सी में एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी जो है उसमें उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो जो है वो सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचा का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए दशहरा के अवसर पर, बी दशहरा से देव उठनी एकादशी तक, सी वर्षा ऋतु के अवसर पर, और डी किसी भी अवसर पर। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये जो नाचा है ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और मुख्य लोक नाट्य है। बस्तर को छोड़कर लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में नाचा का आयोजन केवल एक रात्रि के लिए किया जाता है, किसी भी अवसर पर किया जाता है, कोई भी त्यौहार हो, या फिर यदि इन लोग चाहें कि कोई मनोरंजन का टाइम है जहाँ पर इनको नाचा का आयोजन करना है तो ये कर सकते हैं। किसी भी अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इनमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनकी पूरी नाचा मंडली होती है जिसे नाचा पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि देवार जाति की महिलाएं भी भाग लेती है। जो पुरुष महिला का रोल प्ले करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नाचिया कहा जाता है। और इस पूरे लोक नाट्य का विषय क्या होता है, जीवन के सत्य की छोटी छोटी घटनाएं। तो मैंने क्या बताया, ये जो नाचा है वो छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है, किसी भी अवसर पर इसका आयोजन एक रात्रि के लिए किया जाता है, केवल पुरुष जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं, भाग लेते हैं। जो पुरुष महिला का रोल प्ले करते हैं उसे क्या कहा जाता है, नाचिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाति गीत नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए बिरम गीत, बी बसदेवा गीत, सी बांस गीत, और डी भोजली गीत। तो देखिए, जाति गीत का मतलब क्या होता है कि ऐसा गीत जो कि छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले किसी पर्टिकुलर जाति के द्वारा गाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, हम जाति गीत कहते हैं। तो बिरम गीत जो है वो यहाँ पर निवास करने वाली जो देवार जाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा बिरम गीत गाया जाता है, तो ये पर्टिकुलर देवार जाति के द्वारा गाया जाता है। जो बसदेवा गीत है वो बसदेवा जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। जो बांस गीत है वो राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। ये जो बांस गीत है इसमें 1 मीटर लंबे बांस के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बांस से बना जो वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए
इस गीत को क्या कहा जाता है, बांस गीत कहा जाता है। लेकिन ये जो भोजली गीत है ये छत्तीसगढ़ अंचल में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। जब भोजली का त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन जब भोजली विसर्जन करने के लिए महिलाएं जाती है तब वो भोजली गीत गाती है। तो इस प्रकार से ऊपर के जो तीन ऑप्शन है ए बी सी, ये किसी पर्टिकुलर जाति के द्वारा गाया जाता है, लेकिन जो ऑप्शन डी है भोजली गीत वो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भोजली गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआ गीत में किस रस की प्रधानता होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए संयोग श्रृंगार रस, बी विप्रलंब श्रृंगार रस, सी वीर रस और डी शोक रस। तो देखिए ये जो सुआ गीत है ये छत्तीसगढ़ अंचल में महिलाओं एवं किशोरियों के द्वारा गाया जाता है। जब ये सुआ गीत गाते हैं तो सुआ नृत्य भी करते हैं। दिवाली का अवसर होता है धान की कटाई और मिंझाई के बाद जो यहाँ की महिलाएँ हैं वो सुआ नृत्य करती है। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही इनका ये उत्सव प्रारंभ हो जाता है और दिवाली के दिन जब शिव और पार्वती की पूजा होती है, उनका विवाह रचाया जाता है, तब तक ये नृत्य को किया जाता है। क्या होता है, सुआ का मतलब होता है तोता। तो इस नृत्य में जो महिलाएं होती है वो धान से भरी टोकरी में दो मिट्टी के तोते को रखती हैं और ये जो मिट्टी के तोते होते हैं ये शिव और पार्वती का प्रतीक होते हैं, उसे बीच में रखती है और गोल घेरा बनाकर तालियों के थाप के साथ वो सुआ नृत्य करती है और सुआ गीत गाती है। जो महिलाएं होती है वो अपने मन की बात, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा जो है वो तोते को बताती है ताकि ये जो तोता है वो उनके प्रेमी को ये बात पहुँचा दे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विप्रलंब श्रृंगार रस। ये देखिए जो विप्रलंब श्रृंगार रस है इसे ही वियोग श्रृंगार रस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत जन्म के समय या उससे संबंधित अवसरों पर गाया जाता है। यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है ए सधौरी गीत, बी लोरी गीत, सी ददरिया गीत और डी सोहर गीत। तो सधौरी का मतलब होता है इच्छा की पूर्ति, गर्भधारण के बाद महिलाएं जो होती है अपनी मनोकामना की जो पूर्ति करना चाहती है उसे ही सधौरी कहते हैं। गर्भधारण के सातवें मंथ में स्वस्थ संतान की कामना के लिए सधौरी संस्कार किया जाता है और उस समय सधौरी गीत गाया जाता है। ऑप्शन बी है लोरी गीत, जब माँ अपने बेटे को सुलाने के लिए गीत गाती है तो उसे क्या कहते हैं, लोरी गीत कहते हैं। ददरिया गीत जो है वो श्रृंगार रस प्रधान गीत है, फसल बोते समय महिला एवं पुरुष के द्वारा सवाल जवाब की शैली में इस गीत को स्पेशली गाया जाता है। देखिए सिर्फ इसी समय गाया जाता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, स्पेशली गाया जाता है। तब सोहर गीत जो है वो जन्म गीतों में प्रमुख गीत है। इस गीत को बच्चे के जन्म के समय या फिर ऐसा कोई अवसर जहां पर बच्चे के जन्म की खुशियां मनाई जा रही है, लाइक कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, राम जन्म की कथा हो गई, तो जब किसी भी बच्चे के जन्म का उत्सव मनाया जाता है तब सोहर गीत गाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सोहर गीत। बस्तर में शिल्पकारों के लिए आकृति नामक कला संस्था की स्थापना किसने की। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए बेंगलुरु मंडावी, बी बंशीलाल विश्वकर्मा, सी अजय मंडावी और डी जयदेव बघेल। तो देखिए जितने भी ऑप्शन में नाम दिए गए हैं ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये या तो चित्रकार हैं या तो शिल्पकार हैं, लेकिन आकृति नामक संस्था की स्थापना बस्तर में बस्तर क्षेत्र के निवासी बंशीलाल विश्वकर्मा ने की थी। ये चित्रशिल्पी होने के साथ साथ कास्ट कला, मूर्ति कला, बेल मेटल और जो पाषाण प्रतिमाएं होती है उसके अनोखे सर्जक हैं और जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी है, फ्यूचर के जो शिल्पकार हैं वो परंपरागत रूप से अपने कला का सृजन कर सके, इसके लिए उन्होंने बस्तर में आकृति नामक संस्था की स्थापना की है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बंशीलाल विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंडवानी की वेदमती शैली का कलाकार नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू, झाड़ूराम देवांगन और उषाबाई बारले। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि पंडवानी जो है वो महाभारत में पांडवों की कथा का लोक रूप है छत्तीसगढ़ में। इसकी दो शैलियां होती है, एक वेदमती और दूसरा कापालिक। जो वेदमती शैली होती है उसमें जो गायक होता है वो वीर आसन में बैठ के शास्त्रीय शैली में गाता है पंडवानी को। इस शैली का जो आधार होता है वो खड़ी भाषा में सबल सिंह चौहान की पद्य रूपांतरित महाभारत की कथा होती है। तो इसके जो गायक हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू, झाड़ूराम देवांगन,
पंचुराम और ऋतु वर्मा, ये सभी जो हैं वो वेदमती शैली के गायक हैं। अगर हम कपालिक शैली की बात करें तो कपालिक शैली को खड़े होकर रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो वादक होते हैं वो पीछे बैठे रहते हैं, जो गायक होता है उसमें वो वाचक परंपरा के अनुसार इस गीत को रिप्रेजेंट करता है, इस गाथा को गाता है। यहाँ पर वो गीत भी गाता है, स्टोरी सुनाता है। तो इस प्रकार से जो कपालिक शैली है, इसके जो प्रमुख गायक हैं वो कौन है? तीजन बाई, उषा बाई, शांति बाई, तो ये सब कपालिक शैली के गायक हैं। तो देखिए, उषा बाई पार्ले जो है ये कपालिक शैली की गायिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उषा बाई पार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने ताम्रपत्र में शरभपुरी वंश को अमरज कुल का कहा था? तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया ए प्रसन्न मात्र, बी व्याघराज, सी शरभराज और डी सुदेवराज। ये सभी की सभी शरभपुर वंश के शासक हैं। इनका शासनकाल यहाँ पर 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक का था। शरभराज जो हैं वो इस वंश के संस्थापक थे। उसके बाद फिर यहाँ पर नरेंद्र, प्रसन्न मात्र, ये सभी शासक हुए। दुर्गराज मान मात्र का बेटा था व्याघराज, उसके ताम्रपत्र के अनुसार इन्हें अमरज कुल का या अमार्य कुल का कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याघराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोला का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए नए फसल की कामना के लिए, बी नए फसल के घर में आने की खुशी में, सी बैलों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए और डी उपरोक्त सभी। कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पोला का त्यौहार है स्पेशली MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है वो भादो अमावस्या को मनाया जाता है। जो कृषक होते हैं वो धान की रोपाई, बुआई, निंदाई करने के बाद अपने बैलों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन ये बैलों को सजा धजा कर उनकी पूजा करते हैं और बाजरा से बनी उन्हें खिचड़ी खिलाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बैलों का खिलौना बनाकर उसे सजा धजा कर वो घर घर लेके जाते हैं और जिसके बदले उन्हें क्या मिलता है, पैसे या उपहार दिए जाते हैं। इस दिन बैल दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से बैलों पर केंद्रित होता है ये जो त्यौहार है, उनको धन्यवाद अर्पित करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैलों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमूस तिहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए आषाढ़ पूर्णिमा, बी श्रावण अमावस्या, सी श्रावण पूर्णिमा और डी भादो अमावस्या। ये जो अमूस तिहार है ये जब छत्तीसगढ़ अंचल में जो मैदानी एरिया यहाँ पर हरेली का त्यौहार मनाया जाता है सावन अमावस्या को, तब आदिवासी अंचल में अमूस तिहार मनाया जाता है। ये जो अमूस तिहार है ये पशु स्वास्थ्य से संबंधित है। इस दिन पशु औषधियों की पूजा की जाती है। देखिए, बारिश का मौसम है और जो पशु है इनको विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है, रोग जनित जो बीमारी है उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, पशु औषधियों की पूजा की जाती है। विशेषकर रसना और शतावरी जो पौधे होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो क्या कह सकते हैं हम कि पशु औषधियों की पूजा की जाती है और ये कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी सावन अमावस्या। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार जादू टोना तंत्र साधना पर विश्वास से जुड़ा है? ऑप्शन दिया गया ए हरियाली या हरेली, बी हलषष्ठी, सी दियारी और डी चरु यात्रा। देखिए, यहाँ पर हलषष्ठी जो है वो इस दिन माँ अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए फास्ट रखती है। दियारी का जो फेस्टिवल है वो बस्तर एरिया में दिवाली की तरह मनाया जाता है और ये चरु यात्रा जो है ये आदिवासी अंचल का त्यौहार है। लेकिन ये जो हरेली का त्यौहार है जो कि सावन अमावस्या को मनाया जाता है, हरियाई हुई धरती को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। मूलतः तो ये कृषकों का त्यौहार होता है लेकिन चूंकि इसे अमावस्या के दिन मनाया जाता है, तो जब शाम होता है, अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन जब शाम होता है तो घर से कोई भी बाहर नहीं निकलता। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रात होती है ये केवल टोनी और बैगा का होता है। कहते हैं कि इस दिन जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो तंत्र साधना और जादू टोना सिद्ध करती है, इसलिए जो बैगा होता है वो पूरे गाँव को इन शक्तियों से, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए गाँव को बांध देता है और जो लोग होते हैं परिवार के उन लोग अपने घर के बाहर गोबर से चित्रकारी करते हैं, गोबर से प्रेत बनाते हैं, पशुओं की, मनुष्यों की चित्रकारी करते हैं और उनका ऐसा मानना है, उनकी ऐसी मान्यता है कि ये जो प्रेत है ये क्या करते हैं, बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं। इसे ही सवनाही अंकन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हरेली का त्यौहार है जो कि अमावस्या के दिन मनाया जाता है,
इस दिन जादू टोना तंत्र साधना सिद्ध होता है, ऐसा यहाँ के ग्रामीण लोगों की मान्यता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हरियाली या हरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले पर्व व माह को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक तरफ पर्व के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ माह के नाम दिए गए हैं, हिंदी कैलेंडर के माह हैं, और आपको ये बताना है, मैच करना कि कौन सा पर्व कब मनाया जाता है। तो देव उठनी, देव उठनी का मतलब होता है देवों का उठना। ये जो पर्व है वो दीपावली के 11वें दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। देव पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन क्षीर सागर में शयन कर रहे विष्णु जी को उठा दिया गया था और जितने भी शुभ कार्य हैं उसे करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए इन्हें आग्रह किया गया था। तो इस प्रकार से ये जो देव उठनी एकादशी है ये कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन जितने भी शुभ कार्य हैं इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा है खमर छठ, खमर छठ को कमर छठ भी कहा जाता है और हल षष्ठी भी कहा जाता है। ये जो हल षष्ठी का फेस्टिवल है ये भादो कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। देखिए, हल षष्ठी, षष्ठी का मतलब है छठवें दिन मनाया जाता है। तो इनके त्योहारों में ही ये कब मनाया जाता है, उस डेट को, वो डेट जो होता है वो छुपा होता है इस त्योहारों के नाम पे। तो हल षष्ठी का जो फेस्टिवल होता है वो माता जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है इस दिन में। तो बी का मैच क्या होगा, दो। तीसरा है हरेली, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हरेली का जो पर्व है वो सावन अमावस्या को मनाया जाता है। तो सी का मैच होगा वन। नेक्स्ट है छेरछेरा, छेरछेरा का जो पर्व है ये छत्तीसगढ़ अंचल में पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। नई फसल के खलिहान से घर आने की खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि सुबह से बच्चे, युवक, युवतियाँ सभी घर घर जाके छेरछेरा मांगते हैं और गीत गाते हैं, छेरछेरा कोठी के धानला हेर हेरा। तो डी का मैच क्या हो जाएगा, पौष पूर्णिमा फोर। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऐसा मैच कर रहा है, ए का तीन, बी का दो, सी का वन और डी का चार। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करें। देखिए, यहाँ पर एक तरफ लिस्ट वन में लोक वाद्य के प्रकार का नाम लिखा गया है और दूसरी लिस्ट पर लोक वाद्य का नाम लिखा गया है, और हमें ये मैच करना है कि कौन सा जो लोक वाद्य है वो किस प्रकार का लोक वाद्य है। तो संगीत शास्त्र की दृष्टि से जनजातियों के लोक वाद्य को चार भागों में बांटा गया है, तत्, वितत्, घन और सुशीर। ये जो तत् वाद्य है ये जनजातियों का कलात्मक वाद्य यंत्र होता है, जिसे ये अपने सांस्कृतिक पर्वों में और पूजा कार्यों में बजाते हैं। तत्वाद्य को तार से बजाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तत्वाद्य कहा जाता है। जैसे कि धनकुल हो गया, धनकुल जो है मटकी, सूपा और धनुष से बना होता है, और जो धनुष की रस्सी होती है उससे इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो ए का मैच क्या हो जाएगा, थ्री। वितत्वाद्य, वितत्वाद्य का जो निर्माण है वो पीतल या किसी मजबूत खोखले आधार पर चमड़े को मढ़कर किया जाता है, और वो जो मढ़ा हुआ चमड़ा होता है उस पे आघात करके बजाया जाता है इसे। ये दो प्रकार का होता है, एकमुखी होता है और द्विमुखी होता है। एकमुखी मतलब जब एक तरफ से बजाया जाता है तो उसे एकमुखी कहते हैं, और जब दो तरफ से बजाया जाता है तो उसे दोमुखी कहते हैं। जैसे कि नगाड़ा, नगाड़े को एक तरफ से बजाया जाता है, देखिए चमड़े मढ़े होते हैं, ऊपर का जो पोषण होता है फेशियल पोषण होता है, और खोखला आधार होता है जो बेस होता है उसका। तो नगाड़ा जो है वो एकमुखी है, और द्विमुखी में ढोल ढोलक आते हैं जिसको दोनों तरफ से बजाया जाता है। तो इस प्रकार से बी का जो मैच होगा वो क्या होगा, ढोल। तीसरा है घन वाद्य, ये जो घन वाद्य है ये काष्ठ या धातु का बना होता है और इसे आघात करके बजाया जाता है, जैसे कि घंटी हो गया, घंटा हो गया। तो इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं जिसे आघात करके बजाया जाता है, जो झांझ होता है उसे भी आघात करके बजाया जाता है। ये पेयर में होता है और उन दोनों पेयर को ऐसे बजाते हैं, क्या कह सकते हैं हम, ये कैसा होता है कि ये जो तांबे, टीन और जस्ते के मिश्रण से बना हुआ धातु का ये वाद्य यंत्र होता है, जो बाहरी तरफ से क्या होता है गोलाकार समतल होता है, और जो सेंटर पॉइंट होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, और दोनों पेयर को रस्सी से कनेक्ट किया गया रहता है और इसे ऐसे बजाया जाता है, ठीक है। तो ये जो घन वाद्य होता है ये हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि मुख्य वाद्य यंत्र नहीं होता है, ये सपोर्टिंग वाद्य यंत्र होता है, इसे सपोर्ट के रूप में बजाया जाता है, और जो भी भजन कीर्तन होता है उसमें झांझ का प्रयोग किया जाता है। तो जो सी का मैच होगा वो क्या होगा, चौथा है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र को फूंक कर बजाया जाता है, जैसे कि बांस हो गया, जैसे कि बांसुरी हो गया, मुहरी है, ये जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, अलगोजा, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो डी का मैच क्या हो जाएगा,
मोहरी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3142। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए वो दिखने में तो सिंपल हैं और कुछ कुछ तो वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि हमें कौन से ऑप्शन को करेक्ट सेलेक्ट करना है, तो इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन डील किए। आप कृपया कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरे टोटल 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हुए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।